हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग जो है क्लास 12th में जो तीसरा चैप्टर है आवयव, आइए उसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। इसके बाद जो है इसका पहला प्रश्नावली हल करेंगे। देखिए अवयव के बारे में समझते हैं। जैसे कुछ संख्याएं दी गई है, संख्याओं में जैसे दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझिएगा इसको जब एक आयताकार सारणी में लिखते हैं। आयताकार सारणी से मतलब है इसको जो है आयताकार सारणी बोलते हैं। और इस आयताकार सारणी में जब इन संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं, ऐसे व्यवस्थित कर लें या फिर इसको ऐसे व्यवस्थित कर लें, या इसमें जो है इसको ऐसे बना लें, इन्हें भिन्न भिन्न क्रमों में रखने से जो ये आयताकार सारणी प्राप्त हो रही है इसको जो है अवयव कहते हैं। तो ये जो संख्याएं लिखी हम लोग इसको आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने से ये जो आयताकार सारणी प्राप्त हो रही है इसी को अवयव कहते हैं। तो समझिएगा ये कुछ संख्याएं हैं और समझिएगा सारणी में, यहाँ देखिए इसको पंक्ति बोलते हैं, ये पंक्ति है, और इसको जो है इसको स्तंभ बोलते हैं। ये स्तंभ है, इसमें भी समझेंगे तो ये भी स्तंभ है, ये स्तंभ है, और ऐसे अगर समझेंगे तो ये जो है पंक्तियां बनेंगी ऐसे। तो समझिएगा किसी आयताकार सारणी में अवयवों को क्षैतिज जब मिलाया जाता है तो जो रेखा प्राप्त होती है उसे पंक्ति बोलते हैं। इसे पहली पंक्ति बोल देंगे, इसे दूसरी पंक्ति, ऐसे ही रहेगा, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, और ऐसे अगर कहें तो ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। तो पंक्तियों को, पहली पंक्ति को R1 से, दूसरी पंक्ति को R2 से ऐसे व्यक्त करते हैं, और स्तंभ जो है तो पहले स्तंभ को C1 से, दूसरे स्तंभ को C2 से ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो समझिएगा इसका परिभाषा यह है कि यदि m संख्याएं हैं, mn से मतलब यह है कि m into n, तो mn संख्याओं को जब m पंक्तियों और इन स्तंभों में व्यवस्थित करने से जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे अवयव कहते हैं। mn संख्याएं हो और इसमें से इसको जो है m पंक्तियों में और इन स्तंभों में जब व्यवस्थित किया जाएगा तो इसे जो आयताकार सारणी प्राप्त होगी उसे अवयव कहते हैं। आगे समझते हैं अवयव जो है इसके अवयव किसे कहते हैं, समझिएगा। तो ये जो आप लोग सारणी बना रहे हैं तो इसमें जो भी संख्याएं लिख रहे हैं इन्हीं को जो है अवयव का अवयव कहते हैं। अर्थात इस अवयव का अगर अवयव कहें, अवयव का अवयव, तो अवयव का अवयव इसमें जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो अवयव का अवयव किसे कहते हैं, तो कोई अवयव जो है जिन संख्याओं से निर्मित होता है उसे अवयव का अवयव कहते हैं। अब इसके बाद अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर कोई अवयव ए है तो इसको प्रतीक से ऐसे लिख लिया जाता है, ए आई जे, और अगर इसमें पंक्तियों की संख्या एम और स्तंभों की संख्या एन है तो इसके पास में ऐसे लिख लिया जाता है m/n। इसको m/n पढ़ते हैं ना कि m into n। तो समझिएगा इसमें स्मॉल ए आई जे में आई और जे क्या है, तो ए आई जे अवयव है और इसमें आई जे जो है यह दर्शा रहा है कि अवयव जो है आई वी पंक्ति में है तथा जे वे स्तंभ में। कहने का मतलब क्या है इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है अवयव ए इज इक्वल्स टू, और ये लिखा है मैंने अवयव में ए आई जे m/n। तो समझिए इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, कैसे तो समझिएगा। ये पहली पंक्ति बनेगी यहाँ से और ये पहला स्तंभ भी बनेगा यहीं से, तो यहाँ ए और आई, तो यानी पंक्ति पहली है तो 1, और ये पहला स्तंभ भी बन रहा है तो यहाँ पे 1। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो पंक्ति तो पहली ही है लेकिन स्तंभ दूसरा हो जाएगा, तो इसलिए आई की जगह तो 1 ही रहेगा लेकिन जे की जगह जो है 2 बन जाएगा। इसी तरह से ए 1 3,
ऐसे डॉट 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 पढ़ता चलेगा, और चूंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है एम, और स्तंभों की संख्या एन, ये तो पहली ही पंक्ति है तो अंत में यहाँ ए वन ही रहेगा, लेकिन स्तंभ कौन सा बनेगा सबसे अंत में, एनवा स्तंभ, तो यहाँ ए वन एन बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो बनेगा तो यहाँ से दूसरी पंक्ति शुरू होगी और स्तंभ जो है पहला स्तंभ होगा, यहाँ पंक्ति दूसरी शुरू हो रही है, यानी कि आई की जगह टू रख लेंगे और जे की जगह वन रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पंक्ति तो दूसरी ही है तो ए टू, लेकिन स्तंभ दूसरा हो गया तो यहाँ टू रख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते चलेंगे, ए टू थ्री डॉट डॉट डॉट, यहाँ चलेगा ए टू एन, अंत में एन वास्तव बनेगा टू एन। इसी तरह से बढ़ता चलेगा, यह ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री डॉट डॉट डॉट, ए थ्री एन, समझिए। तो इसको हम लोग अगर ऐसे डॉट 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 लगा लें तो सबसे अंत में जो पंक्ति आएगी कौन सी पंक्ति आएगी, तो चूंकि इसमें पंक्तियों की संख्या एम है तो एमवी पंक्ति आएगी, यानी कि सबसे अंत में यहां जो लिखेंगे हम लोग एमवी पंक्ति, यानी कि आई के जगह एम और स्तंभ पहला है इसलिए यहाँ वन लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ जो पंक्ति तो एमवी ही है तो ए एम, लेकिन स्तंभ दूसरा है इसलिए यहाँ टू। इसी तरह से ए एम थ्री डॉट डॉट डॉट, और सबसे अंत में यहाँ जो आएगा तो पंक्ति एमवी है लेकिन स्तंभ एनवा है, जिससे यहाँ ए एम एन बन जाएगा। तो इस आव्यूह का जो है ऐसे विस्तार कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे आप कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह की कोटि अथवा क्रम, समझते हैं इसको, ये टॉपिक है हम लोगों का आव्यूह का क्रम अथवा कोट, समझिए। जैसे एक यहाँ मैं अभी वो लिख रहा हूँ, अभी ए इज इक्वल्स टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, समझिएगा। ए वन वन से मतलब यह है कि अभी ए का वह अवयव जो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, ए वन टू से मतलब यह है कि अभी ए का वह अवयव जो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, यहाँ से दूसरा स्तंभ बनेगा, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। ए टू वन से मतलब है कि अभी ए का वह अवयव जो दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। इसी तरह से ए टू टू का मतलब है अभी ए का वह अवयव जो दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो समझिए इसमें कितनी पंक्तियां बन रही है, तो एक पंक्ति यह है और एक पंक्ति यह है, पंक्तियों की संख्या दो है इसमें, और स्तंभ कितने बन रहे, तो ऐसे बनाएंगे एक स्तंभ यह है और एक स्तंभ यह है, तो पंक्तियों की संख्या दो है और स्तंभों की जो संख्या है दो है, तो यहाँ लिख लेंगे टू बाई टू, और इसी को जो है आव्यूह का क्रम अथवा कोटि कहते हैं। अर्थात यदि किसी आव्यूह में, नोट कर लीजिएगा, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या एम तथा स्तंभों की संख्या एन है तो आव्यूह का जो क्रम होता है अथवा जो कोटि होता है एम बाई एन होता है, एम बाई एन होता है, और जो अवयवों की संख्या है, अवयवों की जो संख्या है तो अवयवों की संख्या बराबर सूत्र होता है एम इंटू एन, यहां गुणा करा लेते हैं और मान निकाल लेते हैं। जैसे इसमें अवयव कितने होंगे, तो पंक्तियां दो है और स्तंभ भी दो है, तो 2 × 2 यानी कि कितना बन जाएगा, 4 मिल जाएगा, यानी कि अवयवों की संख्या 4 हो जाएगी। और यहाँ जो कोटि है इसका गुणा नहीं कराते, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं एम बाई एन। जैसे आप घर पे देखते होंगे कि जैसे कुछ मेज बना है तो उसको कहते हैं लोग 2 × 3 का है, 2 × 3 का है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको एम बाई एन पढ़ना है, एम इंटू एन नहीं पढ़ना है। आगे समझते हैं, तो बीज वस्तु लिख लिया है मैंने इसमें, देखिए तो 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है, तो अगर इसका कहा जाएगा कि आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या होगा, तो पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो 2/3। ध्यान दीजिएगा जब भी क्रम लिखते हैं तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, फिर ऐसे क्रॉस के चिन्ह बनाते हैं, फिर स्तंभों की संख्या। अब समझिएगा, अभी ए था तो उसके अवयव को, उस अवयव को जो आईवी पंक्ति तथा जेवी स्तंभ में ए आई जे से प्रदर्शित कर रहे थे। अब अभी वो बी है तो इसके लिए छोटा सा माल बी बना लेंगे और आई जे लिख लेंगे ऐसे, यानी कि इसके उस अवयव को जो आई वी पंक्ति तथा जे वे स्तंभ में है ऐसे प्रदर्शित करेंगे, बी आई जे। तो कहने का मतलब समझिए, अगर इसी में कहा दे, इसी सवाल में
कि बी वन वन ज्ञात कीजिए। बी वन वन ज्ञात कीजिए क्या है, समझिएगा, बी वन वन का मतलब यह है वह अवयव जो पहली पंक्ति में है तथा दूसरे स्तंभ में, तो समझिए पहली पंक्ति यही है और पहला स्तंभ यही है, वह अवयव जो पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ है, तो पहली पंक्ति या पहला स्तंभ अगर ऐसे खींचे तो कहाँ कटेगा दोनों, यही पे, यानी कि अवयव कौन सा है, वन है। बी वन वन क्या है, वन है। अगर कह दिया जाए कि बी वन थ्री ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है, वह अवयव अभी बी का वह अवयव जो पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में, तो पंक्ति तो पहली यही है और स्तंभ तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो पंक्ति पहली और स्तंभ तीसरा, अवयव कौन सा मिलेगा, तीन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर कह दिया जाए कि बी टू वन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है, वह अवयव जो दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति यह है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि यहाँ पे कट रहा है, यानी कि कौन सा अवयव मिल जाएगा। अच्छा, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर अभी उसे दिया गया रहेगा उसमें अवयव निकालने रहेंगे आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक, तो ऐसे अवयव निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर कह दिया जाए बी थ्री टू, तो समझिए बी थ्री टू का मतलब क्या है, इस अवयव का वह अवयव जो तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में है, तो देखिए तो क्या यह अवयव इसमें है, तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति है ही नहीं, यह अवयव इसमें नहीं है, ऐसे सवाल आपको नहीं देगा, ठीक ना, आप समझ लीजिएगा, ऐसे सवाल देगा आप हल कर लेंगे। आगे हल करते हैं, देखते हैं, यहाँ कुछ चीजें नोट कर लीजिए आप। पहला चीज यह नोट कर लीजिए कि अव्यूह जो है संख्याओं का एक संग्रह है, अर्थात अव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, अव्यूह का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। दूसरा चीज नोट कर लीजिए, जब भी अव्यूह का क्रम लिखते हैं तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, इसके बाद जो है स्तंभों की संख्या लिखते हैं, यानी कि अगर पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n, तो m बाई n लिखेंगे, न कि m बाई n, n बाई m लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमेशा ऐसे लिखेंगे m बाई n। आइए आगे जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अव्यूह के प्रकार, समझते हैं इसको, समझिए पहला है स्तंभ अव्यूह, समझते हैं स्तंभ अव्यूह कहते हैं किसे है, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं उदाहरण लिख रहा हूँ इसके बाद समझाऊंगा, देखिए देख रहे होंगे, तो समझिए एक यह अव्यूह लिख दिया मैंने अव्यूह ए, एक अव्यूह लिख दिए हैं बी, अव्यूह ए में देखिए तो कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ है, अव्यूह बी जो है इसमें कितने स्तंभ, एक ही स्तंभ है, तो जब स्तंभों की संख्या एक है तो कहेंगे ये जो अव्यूह ए है स्तंभ अव्यूह है, अव्यूह बी इसमें भी एक ही स्तंभ है तो कहेंगे कि यह क्या कौन सा अव्यूह है, स्तंभ अव्यूह है। तो ध्यान से समझिएगा, स्तंभ अव्यूह का परिभाषा आप यहीं से दे देंगे, बोल देंगे क्या होगा, तो ऐसा अव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ होता है, एक ही स्तंभ से मतलब यह है कि स्तंभों की संख्या एक होती है, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें पंक्ति है ही नहीं, स्तंभों की संख्या से मतलब है, ऐसा अव्यूह जिसमें एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अव्यूह कहते हैं, पर आपके सामने उदाहरण है। आगे समझते हैं कि पंक्ति अव्यूह किसे कहते हैं, समझिए इसके बाद है कि पंक्ति अव्यूह किसे कहते हैं, समझा जा, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्तंभ अव्यूह, उसमें क्या कहे कि जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, और यहाँ पंक्ति अव्यूह पढ़ना है तो समझिए यहाँ एक उदाहरण लिख रहे हैं, ए इक्वल्स टू लिखा गया है वन टू थ्री, अव्यूह बी है इसमें देखिए अव्यव लिखे गए हैं ए बी सी, और समझिए कि जो लिखे गए हैं तो देखिए अव्यूह ए में कितनी पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति है, अव्यूह बी में कितनी पंक्तियाँ, एक ही पंक्ति है, तो ये जो अव्यूह ए है पंक्ति अव्यूह होगा, पंक्ति अव्यूह अथवा अव्यूह को सदिश भी बोलते हैं, पंक्ति सदिश कह सकते हैं, तो समझिए
ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, एक हो, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिख दिया है, आगे समझते हैं कि वर्ग आव्यूह, इसके बाद क्या पढ़ना आप लोगों को कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, समझते हैं। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं समझते हैं। इसके लिए देखिए एक उदाहरण देखिए, पहले अवयव मैंने लिख दिया 1 2 3 4, और आपसे अगर पूछूं कि कैसा आव्यूह है तो देखिए तो इसमें पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या दो है, स्तंभ कितने हैं, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, स्तंभों की संख्या दो है, अर्थात जितनी पंक्तियों की संख्या है इसमें उतनी ही स्तंभों की संख्या है, तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, जैसे चार पंक्तियां होंगी तो चार स्तंभ होंगे, पांच पंक्तियां होंगी तो पांच स्तंभ भी होंगे, तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, समझिएगा। अब इसका क्रम कहा जाए कि इस आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या है, तो 2x2 लिखेंगे ना, क्योंकि पंक्तियों की संख्या दो है और स्तंभों की संख्या भी दो है, तो इस आव्यूह का क्रम अथवा कोटि कितना होगा, 2x2, और चूंकि वर्ग आव्यूह है तो इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसमें एक चीज नोट कर लेंगे कि वर्ग आव्यूह में इसका क्रम ऐसे भी कह सकते हैं कि यह 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। कितने कोटि का वर्ग आव्यूह है, 2 कोटि का। 2 कोटि का कहने से मतलब ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वर्ग आव्यूह कह दिए तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, अर्थात ये केवल ऐसे कह दे कि 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है, इससे आप बता सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या दो है और स्तंभों की संख्या भी दो ही है, समझिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विकर्ण आव्यूह जब भी आ जाए तो पहले दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिएगा, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह जब भी कहना होगा परिभाषा तो पहले दिमाग में फिट कर लीजिएगा वर्ग आव्यूह। मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब कि विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही है, बस अंतर क्या है तो ध्यान से समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। समझिएगा, यहां मैंने एक आव्यूह लिख दिया है और ये जो आव्यूह है वर्ग आव्यूह है, ये एक वर्ग आव्यूह लिखे हैं। अब इसको समझने के लिए इसमें शब्द आएगा विकर्ण आव्यूह का, जब परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, विकर्ण तत्व या विकर्ण के अवयव, तो विकर्ण के अवयव किसे कहते हैं तो समझिएगा, किसी वर्ग आव्यूह में, कैसे आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में वे अवयव, किसी वर्ग आव्यूह में वे अवयव जिनके लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे समझिए इसमें जो वन लिखा गया है ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में, कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में, तो इसके लिए पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या है, समान है, तो यह विकर्ण अवयव होगा। A11 जो है क्या है, इसका विकर्ण अवयव, इसका मान कितना है, 1 है। इसी तरह से A, ये समझिएगा इसको, ये जो अवयव है 2, इसके लिए देखिए ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, यानी कि इसके लिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, अतः यह भी जो है मुख्य विकर्ण का अवयव होगा। इसी तरह से 9 जो है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो यह भी मुख्य विकर्ण का अवयव है। तो मुख्य विकर्ण का अवयव किसे कहते हैं, तो किसी वर्ग आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे मुख्य विकर्ण का अवयव कहते हैं। अर्थात इस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन है, 1 है 2 है और 9 है। तो विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समझ में आ गया होगा। तो बस यहाँ से परिभाषा बन जाएगा कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, अरे ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ये आव्यूह जो है कैसा आव्यूह है, मुख्य विकर्ण का अवयव समझ लिया, ये आव्यूह जो है विकर्ण आव्यूह है। अब समझिएगा इसको प्रतीक से कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसको प्रतीक से इसे व्यक्त कर लेते हैं, ना ये नहीं लिखना है, बस ऐसे लिख दीजिए और इसमें लिख देंगे 1 2 9, इसका मतलब क्या है, डी आई, जिसका मतलब लिखा गया है डायगोनल मैट्रिक्स,
डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, विकर्ण आव्यूह। तो यहाँ डी आई जी लिख लिया मतलब विकर्ण आव्यूह है, और इसमें 1 to 9 जो लिखा गया इसका मतलब यह है इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 1, 2 और 9 है। तो इसको ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। समझिए काव्यूह बी मैंने लिखा है और इसमें बताना है हम लोगों को कि मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से है। तो जरा समझिए, मैंने आपको बताया कि वे अवयव वर्ग आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं। अब समझिएगा, तो ये जो वन है पहली पंक्ति में है ना और पहले स्तंभ में, तो क्या ये बी वन वन यानी कि वह अवयव बी का वह अवयव जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, क्या ये मुख्य विकर्ण का अवयव हो जाएगा? तो समझिए, मैंने आपको जो परिभाषा दिया है वो वर्ग आव्यूह के लिए का है। तो पहले आप ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि जो आव्यूह है वह वर्ग आव्यूह है कि नहीं है। तो देखिए, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति और स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है। तो क्या ये वर्ग आव्यूह होगा? यह वर्ग आव्यूह नहीं है। जब वर्ग आव्यूह नहीं है तो मुख्य विकर्ण के अवयव जो है वर्ग आव्यूह में बनते हैं, अन्य आव्यूह में नहीं लिखेंगे हम लोग ये मुख्य विकर्ण का अवयव, अर्थात इसमें विकर्ण अवयव की बात ही नहीं करना है। चलिए आगे समझते हैं, आव्यूह का आगे जो प्रकार पढ़ना है उसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, समझिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं उदाहरण लिख रहा हूं फिर परिभाषा बताऊंगा, समझिए। ये बताइए, ये जो मैंने आव्यूह लिखा है यह विकर्ण आव्यूह है कि नहीं, इससे पहले तुरंत अभी मैंने बताया कि विकर्ण आव्यूह है कि नहीं। तो विकर्ण आव्यूह के लिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। तो देखिए, तो मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य है ना, तो यह एक विकर्ण आव्यूह है, यह एक विकर्ण आव्यूह है। अब ध्यान से समझिएगा, अदिश आव्यूह जो है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है। अर्थात कैसे समझेंगे इसको, तो ध्यान से समझिए, अंतर क्या है इसमें, देखिए ये जितने भी मुख्य विकर्ण के अवयव लिखे गए हैं सभी एक समान है। एक समान का मतलब ये 3, ये भी 3 है, यह भी 3 है। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, इसको हम लोगों ने कहा अभी कि यह विकर्ण आव्यूह है, बस इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह क्या कह रहे हैं, विकर्ण, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं। एक समान है ना, यहाँ 3 है, यह भी 3 है, यह भी 3 है। तो ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, समझिए, 2, 0, 0, 2 और इसको अगर कहें कि बताइए कि अदिश आव्यूह है कि नहीं, समझते हैं। देखिए, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि विकर्ण आव्यूह है कि नहीं, विकर्ण आव्यूह है ना, और जब विकर्ण आव्यूह हो गया तो बस मुख्य विकर्ण का अवयव देखिए कि एक समान है कि नहीं है। तो मुख्य विकर्ण का अवयव देख रहे हैं, यह 2 है, यह भी 2 है, अर्थात एक समान है, अतः यह एक विकर्ण आव्यूह है। तो नोट कर लीजिए, परिभाषा लिखना चाहते हैं तो, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। यहां से एक चीज नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, प्रत्येक अदिश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। कैसे, तो समझिए, ये अदिश आव्यूह कहा हम लोगों ने, ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है, आपको समझा चुके हैं, यहाँ मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य है ना, तो विकर्ण अवयव है, ये वर्ग अवयव ऐसा है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य है, तो यह विकर्ण अवयव है, यह भी विकर्ण अवयव है, अर्थात प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, परंतु प्रत्येक विकर्ण अवयव एक अदिश अवयव नहीं होता है। कैसे, तो समझ लीजिए, यहाँ उदाहरण देख लीजिए, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1, 0, 0, 3 और कहे कि बताइए कि ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं, यह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के शेष अवयव शून्य होता है, एक विकर्ण आव्यूह है। क्या यह अदिश आव्यूह है, अदिश आव्यूह के लिए विकर्ण अवयव समान होने चाहिए, विकर्ण के जो अवयव है अलग अलग है, यहाँ 1 है और ये 3 है, तो अलग अलग है, तो ये क्या अदिश आव्यूह है, तो अदिश आव्यूह नहीं है।
तो आप लोगों ने नोट कर लिया कि प्रत्येक अधिसावयव एक विकर्णावयव होता है, परंतु प्रत्येक विकर्णावयव एक अधिसावयव होता है यह आवश्यक नहीं है। देखिए इसके बाद छठवां है इकाई अथवा तत्सम का अवयव। समझते हैं किसे कहते हैं, मैं पहले उदाहरण समझा रहा हूं। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, समझिएगा। ये देखिए पहले तो वर्ग अवयव है कि नहीं है, पहले यही देखना है आपको, वर्ग अवयव है कि नहीं है। वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या, देखिए पंक्तियां कितनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीन पंक्तियां है, और स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीन स्तंभ भी है। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है, अर्थात ये वर्ग अवयव है। और ये जो वर्ग अवयव है की समानता, तो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो अवयव है, एक है अवयव ए और एक है अवयव बी। तो अवयव ए में अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4, अवयव बी है इसमें अवयव दिए गए हैं, ध्यान से समझिए 1 4 / 2, 1 × 3 / 8 / 2, समझिए ऐसे दिया गया, दो अवयव है। और ये देखिए तो अवयव ए का क्रम क्या है, 2/2 क्रम का है, ये अवयव ए 2/2 क्रम का। अवयव बी किस क्रम का है, तो देखिए इसमें दो पंक्तियां है और स्तंभ दो है, जो अभी 2/2 क्रम का है, अर्थात दोनों अवयवों का क्रम समान है, दोनों अवयवों का क्रम समान है। अब समझिएगा ये संगत अवयव, संगत अवयव कहने से मतलब क्या है, ये अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है, तो इसमें भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव देखेंगे, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव एक है, इसमें भी एक है। ऐसे में पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव दो है, और इसमें पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है, तो समझिए 4/2 है, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, दो ही ना मिलेगा, अर्थात यह दो है यह भी दो ही है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव तीन है, और इसमें भी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, इसको हल करेंगे तीन मिलेगा। इसी तरह से दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव चार है, इसमें भी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, इसको हल करेंगे तो चार मिलेगा। तो क्या मिल रहा है, दोनों अवयवों का क्रम समान है और इसके संगत अवयव के मान बराबर है, तो ऐसे अवयव को कहेंगे कि दोनों अवयव समान अवयव है। अर्थात यदि दो अवयवों का क्रम समान है और उनके संगत अवयव के मान बराबर है, तो उन अवयवों को समान अवयव कहते हैं, और दो अवयव समान अवयव है तो इसे A=B लिखते हैं, यानी कि A = B कहीं लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है कि अवयव ए और अवयव बी समान अवयव है। तो ये इतना जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जो है अवयव का जो पहला प्रश्नावली है पूरा हल कर जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। जो पहला प्रश्नावली, इसमें देखिए पहला सवाल दिया गया, अवयव ए दे दिया गया है, और इसमें पहला जो कहा है कि अवयव की कोटि निकालिए, अवयव की कोटि क्या हुई, तो समझिए इसमें पंक्तियों की संख्या गिनती कीजिए, 1 2 3, पंक्तियों की संख्या तीन है, तो पंक्तियों की संख्या तीन और स्तंभों की संख्या गिनती कीजिए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, तो स्तंभों की संख्या चार है, तो इसकी कोटि 3/4 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इसको 3 × 4 गुणा करके 12 मत लिखिएगा। दूसरा जो सवाल है कहा है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या के लिए मैंने आपको सूत्र बताया थ्योरी में कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यानी कि अवयवों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 3 × 4, और इसमें गुणा करा लीजिए, लिखिए कितना आएगा 12, यानी कि अवयवों की संख्या कितनी होगी 12। तीसरा जो सवाल कहा है, इसमें पूछा गया है A13, तो A13 का मतलब क्या है, वह अवयव जो पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो पंक्ति पहली यही है और तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखिए कहाँ मिल रहा है एक दूसरे से, अगर ऐसे खींचे तो कहाँ मिलेगा, यही पे ना मिल रहा है, यानी कि कौन सा अवयव हो जाएगा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कौन है, 19 है। बिल्कुल इसी तरह से शेष जो इसमें पूछे गए हैं मान, उसको आप खुद हल करेंगे। आगे देखिए दूसरा सवाल मैं आपको हल करा रहा हूं, देखिए दूसरा जो सवाल दिया गया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, अवयवों की संख्या दे दिया गया है 24,
अवयवों की जो संख्या है 24 है। तो कहा है कि तो इसकी संभव कोटिया क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटिया क्या होगी। ध्यान दीजिए, दो सवाल पूछ दिया। पहला कंडीशन दिया कि यदि अवयवों की संख्या 24 है तो इसकी संभव कोटिया क्या होगी। तो समझिएगा, अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करके, तो बिल्कुल उसी से हम लोग लिखेंगे इसकी संभव कोटिया। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे हम लोग कि अवयव की संभव कोटिया निम्नलिखित है। लिख लीजिएगा, अवयव की संभव कोटिया निम्नलिखित है। ये बताइए, 1 और 24 का गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा ना, यानी कि इसका क्रम 1/24 हो सकता है। इसी तरह से 24/1 यानी कि 24 × 1 करेंगे तो भी आ जाएगा। इसमें एक पंक्ति है, 24 स्तंभ है, इस अवयव में 24 पंक्तियां बनेंगी और एक स्तंभ बने। इसी तरह से 2/12 या 12/2, इसी तरह से 3/8 या 8/3, या फिर अगर 4 लेते हैं तो 4/6 या फिर 6/4। 7 से नहीं बनेगा, 8 से बनेगा, तो 8/3 बनेगा, जो कि लिख चुके हैं। अब आगे बस बन गया, यही इसकी संभव कोटिया हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा इसमें जो सवाल कहा है कि यदि अवयवों की संख्या कितनी है, 13 है, तो 13 है तो इसकी संभव कोटिया क्या होगी। तो लिख लीजिएगा कि अवयवों की संभव कोटिया निम्नलिखित है, क्या क्या है समझिए इसको। 1/13 और 13/1, और कोई बनेगा, बना के देखिए क्या और कोई बन सकता है। ऐसे लिख सकते हैं 13/2/2, मतलब क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, 13 × 1 13 मिल ही जाएगा। तो समझिएगा, तो 13/2 मतलब क्या, 6.5। तो क्या किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या 6.5 होगी, नहीं होगी, ऐसा कभी मत लिखिएगा। बस इसमें संभव कोटि यही बन जाएगी, 1/13 या 13/1। देखिए तीसरा जो सवाल दिया है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटिया क्या है। और एक और इसी में एक और सवाल जोड़ दिया कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह से आप इसको खुद हल करेंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका हल जो है रिप्लाई में दूंगा। आगे देखिए चौथा सवाल, देखिए लिख लेते हैं फिर हल करते हैं इसको। देखिए चौथा जो सवाल कहा है कि एक 2/2 क्रम का अवयव ए है और ए जो कल लिखा गया है ऐसे AIZ और इसके लिए क्रम 2/2 है। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग अगर विस्तार करें तो ऐसे लिख लेंगे A=2 और 2/2 क्रम का मतलब इसमें पंक्तियां 2 होंगी और स्तंभ भी 2 बनेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ लिख लेंगे A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का होगा, इसी तरह से पहली पंक्ति तो I की जगह 1 और दूसरा स्तंभ 2, J की जगह 2, A12, तो 2 स्तंभ बन जाएंगे यहाँ से। तो बस यही तक ये नीचे लिखेंगे फिर A21 क्योंकि दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, I की जगह 2 और J की जगह 1, इसी तरह से A22। देखिए तो इसमें 2 पंक्ति बन गई है, 2 स्तंभ बन गए, हो गया, इसी अवयव का रचना करना है। अब इसमें पहला जो सवाल कहा है, पहला कहा है कि AIJ बराबर दिया गया है क्या, I+J का होल स्क्वायर बटा में 2 है, समझिए। अब इससे क्या करेंगे, तो ये तो हम लोगों ने लिखने, ये सबके लिए काम करेगा, इसी में दूसरा तीसरा चौथा जो भी सवाल हल करेंगे। अब इससे जो है यही मान निकालेंगे कि A11 क्या होगा। तो ये समझिए इससे A11 कैसे मिलेगा, तो I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह भी 1, A11 मिल जाएगा तो रखेंगे I=1 तथा J=1 रखने पर, रखिए जब रखेंगे 1 1 तो रखिए A11, यहां भी रखिए I की जगह 1 और J की जगह 1, 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, हल करेंगे तो A11=2, जोड़ लेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4/2 यानी क्या मिलेगा 2, A11 मिल गया 2। आगे A12 चाहिए तो इसके लिए I की जगह 1 और J की जगह 2 रखेंगे, तो रखिए I=1 तथा J=2 रखने पर, रखिए A12=2, I की जगह रखिए इसमें 1, J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, हल करेंगे A12=2, ये 3 बनेगा जोड़ेंगे वर्ग करेंगे 9/2। इसी तरह से अब क्या A13 ज्ञात करेंगे, तो इसमें A13 आया है कहीं, नहीं आया, नहीं ज्ञात करेंगे। आगे देखिए A21 निकालेंगे, तो 21 निकालने के लिए क्या करेंगे, I की जगह 2 तथा J की जगह 1 रखने पर,
लिख लीजिएगा, ये कहाँ रखा है, इसी वाले में रखा है, आई की जगह टू तो रखिए, ए टू और जे की जगह वन, तो इजुकल्स टू, टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू, हल कीजिए, ए टू वन इजुकल्स टू मिलेगा, ये जोड़ेंगे तो तीन, तीन कवर करेंगे नौ बटा में दो, ए टू वन मिल गया, इसी तरह से ए टू टू ज्ञात करेंगे, ए टू टू तो कैसे आई की जगह दो और जे की जगह भी दो रखेंगे, दो रखने पर हल कीजिए, टू प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, हल कीजिए, दो और दो जोड़ लेंगे चार कवर करेंगे सोलह, तो सोलह बटा दो यानी क्या मिलेगा, ए टू टू इक्वल्स टू एट। अब समझते हैं, ध्यान दीजिए, इन सबका मान निकाल चुके हैं, यही मान इसमें रख देना है, इसको मैं हल्का से हटा दे रहा हूं, देखिए इसमें मान रख लेंगे, अतः ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ए अभी ए बराबर ए वन वन, मान देखिए क्या निकाले हम लोग, दो मिला है दो, ए वन टू मान क्या मिला है नौ बटा दो, ए टू वन मान रखिए नौ बटा दो, ए टू टू के जगह एट, यही बन गया व्यू ए। बिल्कुल इसी तरह से इसमें जो दूसरा सवाल और तीसरा सवाल है खुद हल कीजिए, आगे सवाल देखते हैं, देखिए पांचवा जो सवाल दिया गया है कहा कि एक थ्री बाई फोर क्रम का अवयव जो है बनाइए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, थ्री बाई फोर क्रम का अवयव बनाना है, ध्यान दीजिए अवयव ए जो वस्तु लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, ए आई जे और किस क्रम का है, थ्री बाई फोर क्रम का, मतलब पंक्तियां तीन बनाना है और स्तंभ चार चाहिए इसमें, तो देखिए ए जो वस्तु इसको लिख लेंगे ऐसे, तीन पंक्तियां तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री और चार स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा एक और लिखेंगे तभी तो चौथा स्तंभ बनेगा यहाँ से, ए वन फोर, इसी तरह से यहाँ लिखिए ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर, इसी तरह से यहाँ ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर, ध्यान से समझिएगा, ये हम लोगों ने अभी बना लिया, पहला जो कहा है कि अभी वो ए आई जे बराबर दिया गया है वन बाई टू मॉडुलस में माइनस थ्री आई प्लस जे, तो ध्यान से सुनिए, मैं इसमें ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री इन सबका मान चाहिए ना, तो देखिए क्या करेंगे, ए वन वन निकालने के लिए आई की जगह भी वन और जे की जगह भी वन रखेंगे, लिखेंगे आई इजुकल्स टू वन तथा जे इजुकल्स टू वन रखने पर, रखिए ए वन वन इजुकल्स टू वन बाई टू मॉडुलस में माइनस थ्री इंटू और आई की जगह वन प्लस जे की जगह भी वन, हल कीजिए इसको, ए वन वन इजुकल्स टू वन बाई टू माइनस थ्री या प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, और ध्यान दीजिएगा क्योंकि मॉडुलस है तो मान जब भी बाहर निकालेंगे प्लस में निकालेंगे, अंदर प्लस हो या माइनस बाहर प्लस में ही लिखेंगे, यानी कि ए वन वन इजुकल्स टू बन जाएगा, ये बाहर टू मिलेगा टू इंटू वन बाई टू प्लस में बाहर निकालेंगे मान, हल कीजिए इसको, तो ए वन वन इजुकल्स टू टू मिल जाएगा, सॉरी ये हटेगा वन मिलेगा वन, ए वन वन का मान मिल गया वन, बिल्कुल इसी तरह से इन सभी का मान निकालिए आप इसी की सहायता से, इसमें मान रखिए जैसे ए वन निकालना होगा तो आई के जगह वन जे के जगह टू, और सबका मान निकाल के इसमें लिख देंगे वही जो है बन जाएगा, अभी भी रचना हो जाएगा पहला जो सवाल का, इसी तरह से दूसरा सवाल खुद हल कीजिए, आगे छह नंबर सवाल में आपको समझा रहा हूं, देखिए देखिए छह नंबर में जो पहला सवाल दिया गया है अवयव, तो ये भी अवयव दिया, दोनों के बीच बराबर का चिन्ह लगाया, मतलब क्या समान अवयव, समान अवयव है तो क्रम तो देख ही रहे हैं समान है, ये भी टू बाई टू क्रम का है, ये भी टू बाई टू क्रम का, अब हम लोगों को मान निकालना है एक्स वाई और जेड का, हम लोग जानते हैं कि संगत अवयव का मान बराबर होता है, तो चार, इसका संगत अवयव कौन है वाई है, तो वाई का मान क्या मिल जाएगा चार, इसी तरह से एक्स और इसका संगत अवयव क्या है वन है, एक्स का मान क्या मिल जाएगा वन, और जेड, जेड देखिए जेड का संगत अवयव कौन है तीन है, जेड का मान तीन मिल जाएगा, बस पहला सवाल हल हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है, दूसरा जो सवाल दिया है इधर अभी हमें दिया है एक्स प्लस वाई टू पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में है फाइव प्लस जेड और एक्स इंटू वाई इजुकल्स टू, इधर दिया गया है पहली पंक्ति में छह दो, दूसरी पंक्ति में है पांच और आठ, इससे कहा गया कि एक्स और वाई का एक्स वाई जेड का मान निकालिए, तो ध्यान दीजिए हल करेंगे इसको हम लोग, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या बनेगा, इसका संगत अवयव छह है तो एक्स प्लस वाई बराबर छह, समीकरण एक, फाइव प्लस जेड बराबर
इसका संगत अवयव 5 है, बराबर 5। यहां से हल कीजिए, जेड बराबर 5, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, माइनस 5, जेड का मान मिल जाएगा 0। इसको क्या समीकरण बनाएंगे, जेड का सीधे मान मिल गया। आगे हल कीजिए, 1 से इंटू वाई बराबर, इसका संगत अवयव 8 है, ये बन गया समीकरण 2। हम लोग को एक्स वाई का मान चाहिए और जेड का, तो जेड का मान निकल चुका है, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई दिया गया, एक्स इंटू वाई दिया गया। अगर हम लोग एक्स माइनस वाई कहीं से निकाल लेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर जो मान मिलेगा और एक्स प्लस वाई बराबर जो दिया गया, इन दोनों से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए चूंकि सूत्र एक पढ़े होंगे हम लोग नाइन्थ में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, बिल्कुल इसी सूत्र से हल करेंगे। इसलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई, बनाइए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, और x प्लस वाई का मान देखिए समीकरण एक से क्या है मान 6 है, 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू, और x इंटू वाई का मान 8 है, समीकरण 2 देखिए हल कीजिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 36 माइनस 32, मतलब कितना, एक्स माइनस वाई बराबर, चलिए एक बार लिखिए दे रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर रूट में 4, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 2। समझिए, इसको तीसरा समीकरण बना लेंगे, और पहला और तीसरा समीकरण इसको हल कीजिए, तो देखिए तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई, कट के शून्य हो जाएगा। तो समीकरण एक व तीन को जोड़ने पर, समीकरण एक व तीन को जोड़ने पर, जोड़ी जोड़ेंगे तो बन जाएगा हम लोग का एक्स प्लस एक्स 2x, और प्लस वाई माइनस वाई शून्य हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 से इधर गुणा इधर भाग कर लेगा, 8 अपॉन 2 यानी x का मान 4 मिल जाएगा। x का मान जो 4 मिल गया, इसी को रख दीजिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रखिए, तो x के जगह पे 4 रख लेना है, 4 गुणे वाई बराबर 8, यानी कि वाई बराबर 2 मिल जाएगा। तो x का भी मान मिल गया, वाई का भी मान मिल गया, और z का भी मान मिल गया, लिख लेंगे, अतः तो x का मान 4, y का मान 2 तथा z का मान 0 है। इस प्रकार से ये पहला, सॉरी ये दूसरा सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। तीसरा सवाल जो है इसको आप खुद से हल कीजिए। आगे 7 नंबर सवाल देखिए, सातवें सवाल भी, सातवां नंबर जो सवाल दिया गया है यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है, दो समान अवयव दिया गया है और कहा गया है कि ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए, इसको खुद से हल कीजिए। 8 नंबर सवाल देखिए, समझा रहा हूँ, देखिए 8वां जो सवाल दिया गया है इसमें अवयव ए दे दिया गया है, अवयव ए इक्वल्स टू, अवयव ए इक्वल्स टू दिया गया है ए आई जे, और दिया है यहाँ पे एम बाई एन, और कह रहा है यह एक वर्ग अवयव है यदि, और विकल्प दिया है, पहला कहा है कि m का मान जो है n से छोटा है, तो ये समझिए वर्ग अवयव कब कहते हैं, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है m है और स्तंभों की संख्या n है, तो यह बताइए कि ये वर्ग अवयव कब होगा, जब m का मान n के बराबर होगा, तो देखिए कौन सा विकल्प बनेगा, विकल्प सी। 9 नंबर में कहा है कि x तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है, तो हल करते हैं। 9 नंबर जो सवाल है, अवयव दे दिया गया है 3x प्लस 7 और इधर 5 है, दूसरी पंक्ति में y प्लस 1 2 माइनस 3x, और एक और अवयव दिया गया, कहा है कि किस मान के लिए समान है, तो हम लोग पहले समान रख लेंगे तब मान ज्ञात करेंगे, बराबर 0 y माइनस 2 8 4, जब समान है तो यह इसके बराबर होगा, यानी कि 3x प्लस 8 बराबर 3x प्लस सॉरी 7, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यहां से 5 इक्वल्स टू y माइनस 2, यहां से
y प्लस वन इजिकल्स टू, y प्लस वन इजिकल्स टू एट, और एक और समीकरण यहां बनेगा 2 माइनस थ्री एक्स इजिकल्स टू फोर। हल करेंगे तो बनाइए, यहां से 3x बराबर क्या बनेगा, 3x इजिकल्स टू माइनस सेवन, यहां से y इजिकल्स टू फाइव प्लस, ये माइनस टू इधर आएगा प्लस टू बन जाएगा, सेवन y का मान सेवन मिल जाएगा, यहां से y इजिकल्स टू इधर भेजेंगे 8 माइनस वन यानी क्या 7, इधर जो है इसको हल करेंगे तो भेजिए माइनस थ्री एक्स उधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए उधर जाएगा तो ये 3x बन जाएगा, और ये 2 माइनस फोर माइनस टू हल कर लीजिए तो x का मान क्या मिला माइनस सेवन अपॉन थ्री, माइनस सेवन अपॉन थ्री, यहाँ y का मान दोनों मान साथ ही मिला है, एक ही बार लिख दीजिए y का मान सात, और यहाँ से x का मान मिल गया माइनस दो बटा तीन। समझिए इसको हम लोगों ने हल किया तो y का तो दो मान मिला है जो एक ही समान है, यहाँ सात है अभी सात ही, और x के दो मान मिल गए, एक मिल गया माइनस सात बटा तीन और एक मिल गया माइनस दो बटा तीन, किसको मान किसका मान जो है हम लोग लेंगे, इसको सही कहेंगे किसको, तो ध्यान दीजिएगा इस दोनों अभ्यूहो को समान अभ्यूह रखकर हल करने पर चूंकि x के दो मान प्राप्त हो जा रहा है, x के दो मान मिल जा रहा है, एक मिल जा रहा है माइनस सात बटा तीन, एक माइनस दो बटा तीन, अतः कहेंगे कि यह दोनों अभ्यूह जो है x और y के किसी भी मान के लिए समान अभ्यूह नहीं है। आगे आगे देखिए दस नंबर सवाल, देखिए दसवां जो सवाल दिया गया है, थ्री बाई थ्री कोटि के ऐसे अभ्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, प्रविष्टि का मतलब होता है अवयव, प्रविष्टि का मतलब है अवयव जीरो या एक है, मतलब क्या है कि एक थ्री बाई थ्री क्रम का अभ्यूह बनाना है, तीन पंक्तियां होंगी तीन स्तंभ, इसमें डब्बा जिसे बना दे रहा ऐसे बनाना है, समझिए तीन स्तंभ बन जाएंगे यहाँ से, पहला दूसरा तीसरा, तीन पंक्ति चाहिए तो दूसरी पंक्ति वैसे बनेगा, दूसरी पंक्ति ये तीसरी पंक्ति। अब क्या कहा है किसका प्रत्येक प्रविष्टि जीरो है या एक है, यानी कि इसमें जीरो भरना है या एक भरना है, और कहा गया है कि जीरो या एक भरने से ऐसे अभ्यूह कितने बनेंगे, अभ्यूह की कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या बनेगी, तो ध्यान से समझिएगा इसमें जीरो भर सकते हैं या एक भर सकते हैं, यानी कि इसको कितने प्रकार से भरा जा सकता है, दो प्रकार से, इसको भी दो प्रकार से, इसको भी दो प्रकार से, यानी कि जितने भी स्थान है इसको भी दो प्रकार से, इसको भी, ये दो प्रकार जो मैं कह रहा हूँ आने का मतलब क्या है इसमें जीरो भर सकते हैं या एक, दो प्रकार हुआ ना, इसी तरह से इसमें भी जीरो भर सकते हैं या फिर एक भर सकते हैं, तो सभी जो है दो दो प्रकार से भर सकते हैं। तो आपने क्रमचय संचय में पढ़ा होगा जो चैप्टर है इलेवेंथ में, इसमें पढ़ा होगा कि जैसे तीन अंकों की संख्या बनानी है और अगर इसको चार प्रकार से भर रहे हैं, इसको तीन प्रकार से और इसको दो प्रकार से, तो कुल कितनी संख्या बनेंगी, तो इसके लिए गुणा कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सभी दो दो प्रकार से बनेंगे और कुल कितने स्थान है, नौ स्थान है, तो इससे बनने वाले अभ्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, तो टू इंटू टू इंटू ऐसे कई बार कर लेंगे, नौ बार है, नौ बार। तो यानी कि दो की घात नौ, इसका मान कितना हो जाता है 512। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प है, डी नंबर, अर्थात दसवें का कौन सा हो जाएगा डी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा जो चैप्टर है इसका पहला प्रश्न अभी पूरा हल कर लिया। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।